हेलो फ्रेंड्स दिस इज आई एम ओ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव क्लास फिफ्थ सेट ए क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन वन आई होप द क्वेश्चनस आर रीडेबल सो क्वेश्चन वन में है तो यहाँ पे सारे डिजिट्स रिमूव करने थे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देन क्वेश्चन टू है तो जाने का टाइम एंड आने का टाइम दिया गया है सो टोटल हमें ड्यूरेशन बताना था तो इट इज़ ऑप्शन सी वन आर फोर्टी फाइव मिनट्स क्वेश्चन थ्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन फोर का आंसर हो जाएगा ए ई एल यू वी ऑप्शन बी देन फिफ्थ में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना था सो so, आंसर हो जाएगा नाइन व सिक्स क्वेश्चन तो सिक्सथ में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फादर सेवेंथ में आंसर हो जाएगा मरीन मेटल माइंड मोटिव एंड मूवी थ्री फाइव टू वन फोर देन क्वेश्चन एट में ऑप्शन डी होगा आंसर क्वेश्चन नाइन्थ नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेंथ में आंसर हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे वेडर्सडे देन यस्टरडे थर्सडे टुडे फ्राइडे तो टुमारो सैटरडे हो जाएगा सो वी हैव टू कैलकुलेट द दिक्कथ डे फ्रॉम टुमारो तो टुमारो सैटरडे था तो सैटरडे इज़ द फर्स्ट डे तो उस दिन से कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स डे हो जाएगा थर्सडे ऑप्शन सी इलेवेंथ वन आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेल्थ ट्वेल्थ का आंसर बोथ ए एंड सी थर्टीन फोर्टी फोर फोर्टीन का आंसर होगा ट्वेंटी फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फिफ्टीन इज़ आई सिक्स एंड जेड सेकेंड सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग सिक्सटीनथ का आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन डी देन सेवनटीन का आंसर होगा ऑप्शन ए एटीन आंसर इज ऑप्शन ए थर्टी डीटर्स नाइनटीन ऑप्टिवस एंगल बन रहा है यहाँ पर सेवन फिफ्टीन हो रहा है ना टाइम तो यहाँ पर ऑप्टिज एंगल बनना चाहिए लेस धैन वन एटी डिग्री येस यहाँ पर ऑप्टिज एंगल बन जाएगा दैन क्वेश्चन नाइनटीन है ना देन क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी का हो जाएगा वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स दैन ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन में है इट हैज़ थ्री प्राइम फैक्टर्स तो येस टू थ्री एंड फाइव तीन प्राइम फैक्टर है देन सेकेंड इट इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड फिफ्टीन मुझे लग रहा है शायद फिफ्टीन ही लिखा है इट्स नॉट वेरी क्लियर तो ये इन करेक्ट है देन थर्ड स्टेटमेंट में द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ थर्टी सेवेंटी टू तो यस फैक्टर्स वन टू थ्री फाइव सिक्स टेन फिफ्टीन एंड थर्टी तो सम करेंगे तो सेवेंटी टू आता है तो ये सी वाला भी करेक्ट है तो ऑप्शन डी दैन क्वेश्चन ट्वेंटी टू विच वन इज स्मॉलेस्ट तो ऑप्शन ए में ये एट हंड्रेड पॉइंट सेवन आता है देन ऑप्शन बी इट इज़ फिफ्टी पॉइंट वन फाइव ऑप्शन सी में सेवन हंड्रेड पॉइंट नाइन टू एंड डी में आएगा सेवन हंड्रेड पॉइंट ज़ीरो सेवन आना चाहिए तो so, मुझे लगता है इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ना मुझे ये लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है मैं सबको प्लस मान के प्लस ऐड कर रही हूँ तो मुझे लगता है बी ही होना चाहिए स्मॉलेस्ट वन देन ट्वेंटी थ्री में मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये थर्टी एट डिग्री पर है तो थर्टी एट में हम ट्वेंटी थ्री जोड़ेंगे तो इट इज़ सिक्सटी वन डिग्री आना चाहिए अगर ये थर्टी एट है तो तो ऑप्शन डी होगा और क्वेश्चन ट्वेंटी फोर में है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट फाइव फॉर्म्ड बाई थ्री फाइव टू एंड नाइन तो नंबर फॉर्म हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर लेंगे तो हमें मिलेगा डबल नाइन फाइव थ्री टू स्मॉलेस्ट डबल टू थ्री फाइव नाइन डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा डबल सेवन वन सेवन थ्री ऑप्शन सी होगा अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तो डायरेक्शन दिया गया है तो ट्वेंटी फाइव का जो आंसर है वो हो जाता है ट्वेंटी फाइव में टोटल गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू थाउजेंड सिक्सटीन एटीन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन में तो ये वन सेवन टू फाइव वन सेवन टू फाइव होगा ऑप्शन ए हो जाएगा और मिनिमम टू थाउजेंड सिक्सटीन है एंड मैक्सिमम टू थाउजेंड नाइनटीन है तो ये आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली इन ऑप्शन डी फिर क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछ रहा है ना एटलीस्ट टू लाइंस ऑफ सिमेट्री तो एस में तो एक भी नहीं है पी में भी एक भी नहीं है डी में वन है ई e में वन है आर में एक भी नहीं है और सिर्फ आई है जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका आंसर तो मुझे लगता है वन होना चाहिए बिकॉज दे आर आस्किंग एटलीस्ट टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा देन क्वेश्चन ट्वेंटी एट में तो दिस इज़ एम एम सी एम एल आई एक्स तो इसको जब हम नंबर में लिखेंगे तो इट इज़ टू नाइन फाइव नाइन एंड एम एम डी सी एल एक्स आईव वी हो जाएगा टू डबल सिक्स फोर सो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी ट्वेंटी एथ में ट्वेंटी नाइन्थ में फाइंड द पेरीमीटर तो यहाँ पे पेरीमीटर आई थिंक ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी होना चाहिए देन थर्टी तो क्या ऐड करेंगे फाइव फाइव बाई इलेवन एंड थ्री टू बाई थर्टी थ्री टू गेट टेन वन बाई इलेवन इट इज़ ऑप्शन ए मिक्स नंबर वन नाइनटीन बाई थर्टी थ्री होगा थर्टी वन तो थर्टी वन में बी होना चाहिए थर्टी टू में तो राउंड ऑफ करेंगे एट सिक्स टू फाइव एट तो हमें मिलेगा एट सिक्स ट्रिपल ज़ीरो और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या हो जाएगा ज़ीरो तो आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए थर्टी थ्री हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ सेवेंटी फाइव हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आ रहा है सेवेंटी फाइव एंड सिक्स हंड्रेड है तो मुझे लगता है इसका आंसर ऑप्शन सी सेवेंटी फाइव होना चाहिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन साइड द गिवन फिगर राइट एंगल्स इन साइड के बारे में पूछ रहा है तो इट इज़ आई थिंक थ्री होना चाहिए देन क्वेश्चन थर्टी फाइव है तो आपको बताना था कि प्ले स्टार्ट हुआ था सिक्स फोर्टी फाइव को एंड हुआ था एट टेन को तो ड्यूरेशन ऑफ द प्ले बताना था इजी क्वेश्चन है सो so, इसका आंसर हो जाएगा वन आवर ट्वेंटी फाइव मिनट सिक्स फोर्टी फाइव टू सेवन फोर्टी फाइव वन आवर होते हैं एंड सेवन फोर्टी फाइव टू एट टेन सो दिस इज़ वन आवर ट्वेंटी फाइव मिनट्स ऑप्शन बी होगा देन एवरीडे मैथ्स है तो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्टी सेवेंथ का आंसर हो जाएगा वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड्स देन थर्टी एट सॉरी थर्टी सेवन का आंसर होगा वन मिनट फिफ्टीन सेकेंड थर्टी एट इज़ सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो थर्टी नाइन्थ थर्टी नाइन्थ में आप कैलकुलेट करेंगे तो थर्टी नाइन्थ कहाँ है ओके okay, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वन नाइन एट ट्रिपल ज़ीरो देन फोर्टी का हो जाएगा फोर्टी में आंसर होगा वन फोर्टी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर मुझे लगता है आपको आता होगा बिकॉज पहले l इंटू बी कर लेंगे सो सिक्सटीन इंटू टेन वन सिक्सटी सेंटीमीटर एंड देन चार जो स्क्वायर दिए गए हैं टोटल अप करेंगे फोर 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 सिक्सटीन एंड वन सिक्सटी माइनस सिक्सटीन वन फोर्टी फोर फोर्टी वन में साक्षी को है वन सेवन जीरो सेवन वन नाइन फोर टू एंड दिविज वन वन फाइव फोर तो मैक्सिमम नंबर इज़ विथ दिविच फोर्टी टू तो ये क्वेश्चन आप आपको सॉल्व करना इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर जो होगा इट इज़ वन बाई फोर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर देन फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री का होगा टी कैटल वन लीटर सिक्स ट्वेंटी फाइव एम तो इसको वन लीटर को आप थाउजेंड कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा वन सिक्स टू फाइव एंड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थर्टीन हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टी फोर का होगा तो ट्राइंगर शेप है तो चलो इसका पहले पैरीमीटर निकाल लो एंड देन पैरीमीटर फाइन हो गया देन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्टीन फाइव जीरो ज़ीरो होगा इसका आंसर थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही देन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का आंसर हो जाएगा टू एट पॉइंट फाइव वन एट के जी टू एट पॉइंट यस टू एट पॉइंट फाइव वन एट के जी ऑप्शन सी चलो तो ये फोर्टी सिक्स वन अचीवर सेक्शन है तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन में जो फर्स्ट वाला सी सी एल एक्स एस आई वी तो ये हो जाता है टू सेवन फोर सेकेंड इज़ फोर टू फोर एंड थर्ड इज़ टू डबल वन सेवन इनका टोटल करोगे तो हो जाएगा टू एट वन फाइव अब टू एट वन फाइव को जब आप राउंड करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड की तरफ तो इट इज़ टू ट्वेंटी एट हंड्रेड तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अब स्टेटमेंट आती है सेकेंड वाली सो वी हैव टू ओके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा वन सिक्स नाइन वन क्वेश्चन सही दिया गया बट तो रिमाइंडर ट्वेल्व आता है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है सेकेंड भी इनकरेक्ट है तो ऑप्शन बी हो जाएगा देन क्वेश्चन फोर्टी सेवन है लेंदी है बट ईजी है आप कर सकते हैं सो so, ग्राफ है ये देख लीजिए ये ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक है इसके बेसिस पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं सो फर्स्ट वन जो है तो फर्स्ट वन का आता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड सेकेंड वन में जो कॉस्ट आ रहा है इट इज़ कमिंग टू ट्वेंटी थाउजेंड तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब आ जाता है क्वेश्चन फोर्टी एट फोर्टी एट में गिवन लाइन्स केयरफुल इन स्टेट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन रेक्टेंगल इज टू सो यस सिमेट्री रेक्टेंगल में तो दो ही सिमेट्री होती है ना एक वर्टिकली uh, एक और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है देन इन द गिवन वर्ड देर आर ओनली टू लेटर्स विच हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो के को वन लाइन है आई को टू है टी को वन है एंड ई को वन है तो देर आर ओनली टू लेटर्स कैसे होगा क्योंकि इन सभी को एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री है सो so, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि टू लेटर्स थोड़ी है यहाँ पर चारों को एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री है फिर थर्ड फिगर में द फिगर दिस हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री तो अच्छा हॉरीजोंटली टली तो नहीं है वर्टिकली यस yes, एक है तो इसमें तो एक ये तो फॉल्स होना चाहिए तो ये वाला फॉल्स होगा और सेकेंड वाला कंफ्यूजिंग है सेकेंड वाला चारों में एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मुझे दिख रही है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आप बताना आपने क्या लिखा था इसका तो फर्स्ट वन ट्रू है लास्ट वन फॉल्स है बीच वाले को पता नहीं यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस शुड बी टी एफ टी होना चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन फोर्टी नाइन है सो ऑब्जर्व द गिवन फिगर तो ये वाला देख लो इसका जो आंसर होगा इस शुड बी ऑप्शन ए ठीक है क्वेश्चन फिफ्टी आ जाता है ये देखो सम ऑफ प्लेस वैल्यू तो ये फर्स्ट वाला जो है ये इनकरेक्ट है सेकेंड वाला करेक्ट है थर्ड वाला बी इनकरेक्ट है ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में ही नहीं है इधर उधर का दिया हुआ है तो बोथ ए एंड सी इनकरेक्ट वाला है तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगर आपको इसका पी चाहिए फॉर प्रैक्टिस तो आप यू कैन मेल मी ऑन माई ई मेल और कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू बाय बाय